मनावर वार्ड क्रमांक 15 में विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय नागरिक विधायक से मिले। विधायक ने तत्काल जवाबदार अधिकारियों को फोन करके समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नगर पालिका मनावर का कार्यकाल यथाशीघ्र खत्म होने वाला है और चुनावों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण की प्रक्रिया भी निर्धारित हो चुकी है। इसी बीच में समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वार्ड क्रमांक 15 के नागरिक आज विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा से मिले और उन्होंने मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए अलावा से लिखित में आग्रह किया। इसके बाद में विधायक ने तत्काल मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनावर प्रदीप शर्मा को फोन पर निर्देश दिए। मनावर से लोकेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है? दिलीप सिंह। आज विधायक जी के पास आप क्यों आए और क्या समस्या लेकर के आए थे? हमारे पानी की समस्या के लेकर और उसके संज्ञान में लेते हुए बोले कि एसएम साहब को लगवाया फोन और बात करी है। तो अधिकारी जो सीएमओ है नगर पालिका के, उनके पास आप नहीं गए थे? सर वहाँ पे गए थे हम, बाकी वो क्या है कि कुछ लोगों को दिए, कुछ लोग हमारा ये कहना ये पड़ रहा है कि सभी लोगों को दिया जाए पानी की मूलभूत सुविधा। तो क्या मुख्य समस्या है पानी के अलावा और वहाँ क्या है आपके वार्ड में? कौन सा वार्ड है आपका? 15। तो और क्या क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं निराकृत हो जाए? और नालियाँ है, रोड है और आवास। एक बार फिर नाम बताएंगे अपना? दिलीप सिंह। सर आपका केदार पड़ेगा। आज जो यहाँ पे विभिन्न लोग आए हैं, विधायक जी को शिकायती पत्र दिया है, तो क्या है उसका विषय? सबसे पहले तो भरड़पुर वार्ड क्रमांक 15 मनावर नगर पालिका के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आज़ादी के 75 साल बाद भी पानी की समस्याएं आज भी ऐसी की वैसी बनी हुई है। हमने कुछ पेपरों में खबरें प्रकाशित करवाई, तब जाके पाइपलाइन का टेंडर हुआ, 18 लाख की पाइपलाइन स्वीकृत हुई और एक वहाँ से पीएम जैसा रोड भी विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के अनुशंसा पर टोकी बाईपास तक वो रोड भरतपुर से गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर काली किराए में आवास, उसके बाद में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, नाली, इसे कोई भी सुविधा नहीं है। आज 75 साल हो गए आज़ादी के और वहाँ के लोग पूरी तरह से इन समस्याओं से ग्रसित हैं। हमने बार बार सीएमओ को भी अवगत करवाया, सीएमओ साहब को भी अवगत करवाया, लेकिन वो भी सिर्फ नियम कायदे लाके उस सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे, जबकि जनहित का मामला। विधायक जी अभी तत्काल फ़ोन किए, क्या चर्चा हुई जो है सीएमओ साहब से? सीएमओ साहब ने चरणोई भूमि का जिक्र किया गया था और सीएमओ साहब द्वारा फिर से टालम टोली की बात की जा रही है और अगर सीएमओ साहब 7 दिसंबर तक ये मामला नहीं करते हैं तो नगर कांग्रेस कमेटी विधायक जी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।